श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री अम्ने महाराणी की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह श्रियानांतान निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुं। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्दशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिवस्तता षड्भिर्विराजतेयोऽसौ पञ्चथा हृदये मम। नमो नमस्ते स्वर्षभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय कुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राधसा स्वधामने ब्रह्मनिरंशते नमः। यस्यानुकम्पा वशतः सुदुर्लभं मानुष्यमाप्तं परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। अत्रैव विराजमान परम पूज्य परमादरणीय ताजी एवं पुष्टिधाम सत्संग मंडल से जुड़े हुए आप सब वैष्णववृंद, पिछले सत्संग में हमने श्री यमनाष्टक स्तोत्र के पहले श्लोक के दर्शन किए। हमने प्रभुजन श्री गोसाई जी की जो विवृति है उसमें प्रभुजन श्री गोसाई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं वो दर्शन किए कि नमामि यमुनामहम, मैं श्री यमुना जी को नमन करता हूँ। क्यों? क्योंकि सकल सिद्धि हेतु मुदा, मतलब अर्थात जो सकल सिद्धियों को प्रसन्नता से प्रदान करने वाली हैं। कौन सी सकल सिद्धियां? कि पहला अलौकिक भगवत सेवा में उपयोगी देह की प्राप्ति, दूसरा हम सदा ही भगवत रस का आनंद लेते रहें, तीसरा हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति आरती जागे, और चौथा कि हम हमारे मन में सदा ही श्री ठाकुर जी का वास हो, सदा ही हम उनके दर्शन करते रहें। तो यह चार अलौकिक सिद्धियों को प्रसन्नता से देने वाली श्री यमुना जी को नमस्कार करके आइए हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। कलिंदा गिरिमस्तके पतत मंद पूरोज्वला विलास गमनोल्लसत् प्रकट गंड शैलोन्नता सघोष गति तंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा मुकुंदा रतिवर्धिनी जयति पद्म बंधो सुता। अब शाचार्य जी महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि कलिंद गिरि मस्तके पतद मंद पूरोज्वला, अर्थात श्री यमुना जी सूर्य मंडल से आप कलिंदगिरी पर्वत के शिखर पर मस्तक पे आप पधारे। अब यहाँ पे अगर अपन विचार करें तो श्री यमुना जी रवि मंडल से कलिंदगिरी के मस्तक पे ही क्यों पधारे? तो वहां पे एक इसी संदर्भ में वहां पे एक पुरानी कथा आती है कि
कलिंदगिरी ने कई वर्षों तक तपस्या की और वह तपस्या से प्रसन्न होकर श्री यमुना जी ने वह कलिंदगिरी को दर्शन दिए और कलिंदगिरी ने एक वरदान मांगा कि आप मेरे शिखर पर, मेरे मस्तक पर पधारे और मेरी जो पुत्री है उसको आप अपना स्वरूप प्रदान करें, जिससे आप पूरे जगत में कालिंदी नाम से जाने जाएंगे। तो श्री यमुना जी ने कलिंदगिरी पे कृपा करी और श्री यमुना जी सूर्य मंडल से कलिंदगिरी पर्वत के मस्तक पे पधारे, तो इसलिए आपका नाम कालिंदी हुआ। और अगर अपन दूसरा भाव भी देखें तो जो कली के दोष हैं, जो कली दोष है उनसे श्री यमुना जी निवृत्त हमें करवाती हैं। यह कली के दोष हमें श्री ठाकुर जी से बहिर्मुख करवाते हैं, धर्म से विमुख करवाते हैं। आप भागवत जी के प्रथम स्कंद में भी देखें कि जब परीक्षित जी की कथा आती है कि जब परीक्षित जी का शासन चल रहा था, तब एक दिन की बात है, तब परीक्षित जी राज्य विचरण करने गए और उन्होंने एक विचित्र सा दृश्य देखा कि वहां पे एक ऋषभ है और वह ऋषभ के तीन पांव कटे हुए हैं, वह एक पांव पे ही है, और एक गाय है और वह दोनों को एक शूद्र पुरुष मारते हुए ले जा रहा है। तो यह दृश्य देखकर परीक्षित जी ने अपने मन में विचारा कि मेरे राज्य में ऐसी हिंसा, ऐसा अधर्म। तो यह मन में विचार कर परीक्षित जी को वह शूद्र पुरुष पे क्रोध आया और वह शूद्र पुरुष को दंड देने के लिए वह तैयार हुए। तब शूद्र पुरुष ने कहा कि आप मुझे दंड मत दीजिए, मैं तो आपकी शरण में आया हूं। तब परीक्षित जी ने कहा कि तुम कौन हो? तब वह शूद्र पुरुष ने कहा कि मैं कली पुरुष हूं। तब वह परीक्षित जी ने यह बात सुनकर मन में विचारा कि तो कली पुरुष है, जहां पे कली पुरुष है, जहां पे कलयुग है, वहां पे तो बड़ा ही अधर्म होता है, बड़ा ही हिंसा होती है, चोरी लूटपाट ये सब होता है। तो यह मन में विचार कर परीक्षित जी ने निर्णय किया कि यह कली पुरुष मेरे राज्य में नहीं रहेगा और कली पुरुष को कहा कि तुम मेरे राज्य में नहीं रहोगे, जाओ यहाँ से। तब कली पुरुष ने कहा कि महाराज, मैं आपके शरण में आया हूं और राजा का ये धर्म होता है कि जो भी उसकी शरण में आए उसका वह रक्षण करता है। तो परीक्षित ने यह बात सुनी और अपने मन में विचारा कि भले कलयुग से अधर्म नष्ट होता है, अधर्म बढ़ता है, चोरी लूटपाट ये सब होती है, परंतु कलयुग में एक महागुण है जो सतयुग में भी नहीं, त्रेता युग में भी नहीं और द्वापर युग में भी नहीं, कि कलौ केशव कीर्तनात्, अर्थात कलयुग में केशव के, मतलब ठाकुर जी से के कीर्तन करने से, उनके नाम की सेवा करने से ही वह जीव का उद्धार हो जाता है। तो यह बात विचार कर परीक्षित जी ने वह कली पुरुष को अपने राज्य में रहने के चार स्थान प्रदान किए। और आगे तो इसका काफी विस्तार है, पर जो हमें मूल बात जाननी चाहिए कि वह ऋषभ वह धर्म का प्रतीक है और वह गाय पृथ्वी स्वरूपा है। तो हमारे शास्त्रों में धर्म के चार चरण बताए गए,
पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। तो कलयुग के प्रभाव से धर्म के 3 चरण नष्ट हो जाते हैं। कौन से? कि पहला पवित्रता, जीव के अंदर से पवित्रता नष्ट हो जाती है कलयुग के प्रभाव से। दूसरा तप, जीव के अंदर से कलयुग के प्रभाव से जीव के अंदर जो तप होता है वह उसका नष्ट हो जाता है। और तीसरा दया। तो यह 3 चरण धर्म के कलयुग के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और धर्म अपने एक ही चरण पे खड़ा हुआ है और वो है सत्य। तो ये जो कली के दोष हैं वह हमें धर्म से विमुख करवाते हैं। और जहां पे धर्म नहीं तो वहां पर श्री ठाकुर जी भी नहीं है। तो श्री ठाकुर जी से भी यह कली के दोष बहिर्मुख करवाते हैं। तो ऐसे कली के दोषों को हमसे निवृत्त करने वाली श्री यमुना जी हैं, इसलिए आपका नाम कालिंदी हुआ। तो कलिंदगिरि मस्तके, अर्थात आप रवि मंडल से कलिंदगिरि पर्वत के मस्तक पे आप पधारती हैं। और जब आप पधार रही है तब आपके जो वेग आ रहे हैं, आपके जो झाग आ रहे हैं, उससे आपका स्वरूप उज्जवल प्रतीत हो रहा है। कलिंदगिरि मस्तके पददमंदपूरोज्ज्वला, आपका स्वरूप बहुत उज्जवल प्रतीत हो रहा है। विलास गमनोल्लसत, अर्थात जब आप कलिंदगिरि पर्वत के शिखर से आप जब नीचे पधार रही हैं तो विलास गमनोल्लसत, आप विलास पूर्वक गति से प्रवाह से आप नीचे पधार रही हैं। विलास गमनोल्लसत प्रकटगंड शैलोन्नता, अर्थात जब आप अपने विलास पूर्वक प्रवाह से आप जब नीचे पधार रहे हैं तो जो पर्वत के जो खंड होते हैं वो भी श्री यमुना जी के साथ 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 नीचे गिर रहे हैं, और उससे श्री यमुना जी आप ऊंचे आपके दर्शन हो रहे हैं। और आगे की पंक्ति में श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि सघोष गति दंतुरा, अर्थात सघोष अर्थात घोष युक्त जो है दंतुरा, प्रभु चरण श्री गोसाई जी दंतुर शब्द का अर्थ अपनी विवृत्ति में बता रहे हैं कि दंतुर अर्थात जैसे कोई नायिका अपने अपने नायक से मिलने के लिए बड़ी उत्साहित हो, इसी प्रकार से श्री यमुना जी अपने नायक से मिलने के लिए अर्थात श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए बड़ी उत्साहित हैं। तो इसलिए आप विलास पूर्वक गति से, विलास पूर्वक प्रवाह से आप नीचे पधार रही हैं और आप व्रज जाने की बड़ी प्रतीक्षा में व्रज प्रवाह से आप जा रही हैं। सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दोलोत्तमा, अर्थात जब आप एकदम प्रवाह से पधार रही हैं तो मानो श्री यमुना जी के ऐसे दर्शन हो रहे हैं कि श्री यमुना जी दोलोत्तम, अर्थात आप डोली पे से विराज के पधार रही हैं। तो ऐसी श्री यमुना जी की जय की मैं उनको नमन करता हूं। और आगे की पंक्ति में आचार्य चरण क्या कर रहे हैं कि मुकुंदा रतिवर्धिनी, अर्थात मुकुंद, अब वहां पे श्री ठाकुर जी का नाम मुकुंद ही क्यों आया? तो वहां पे प्रभुचरण श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि मुकुंद अर्थात जो मुक्ति का दान करे वह मुकुंद। तो श्री ठाकुर जी हैं तो मुकुंद रतिवर्धिनी, अर्थात मुकुंद में रति वर्धन करने वाली, मुकुंद में रति प्रेम बढ़ाने वाली श्री यमुना जी हैं। तो ऐसे श्री यमुना जी की जय हो। जयति पद्म बंधो सुता, अर्थात पद्म बंधो सूर्य का नाम है, तो ऐसी पद्म बंधो की पुत्री की जय हो।
तो यहाँ पे शाचाचरण ने जब श्री यमुना जी रवि मंडल से जब आप ब्रज जा रही हैं प्रभु से मिलने के लिए, जब आप उत्साहित हैं तो आप कैसे पधार रही हैं उसका प्रकार आप द्वितीय श्लोक में बता रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं। तो बस ज्यादा ना कहते हुए आगे के श्लोकार्थ हम आगे के सत्संग में अब देखेंगे। तो बस ज्यादा ना कहते हुए मैं अपने वाक पुष्पों को श्री यमुना जी के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बोलो श्री यमुने महाराणी की जय, शिवल्लभारी की जय, अरे श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। शिवजादीसी लालन प्यारे की जय। बिठा पहला घना समय थी श्री पुष्टिधाम हवेली द्वारा दर शनिवारे सत्संग થઈ રહ્યો છે। આજે પણ ઘણા વૈષ્ણવો આ સત્સંગમાં જોડાયા છે। આપ સર્વે વૈષ્ણવોને આગ્રહ અને વિનંતી છે કે સાહેબ આવતા શનિવારે પણ સંભળાય છે ભાવેશ? સંભળાય એટલે શરૂઆત થી બધાને ખ્યાલ આવી ગયો ને? તો આવતા શનિવારે પણ આપ સૌ આ ઓનલાઈન સત્સંગમાં અવશ્ય હાજરી આપશો અને બીજા વૈષ્ણવોને પણ આ સત્સંગમાં જોડાય એ માટે પ્રચાર કરજો। આવતા શનિવારે યુવા આચાર્ય શ્રી હરિરાયજી મહોદયશ્રી તેમજ પૂજ્ય શ્રી ગોરધનેજી મહોદયશ્રી ના વચનામૃતનો લાભ પણ મળશે। તો આપ સર્વે અવશ્ય આવતા શનિવારે આ સત્સંગમાં હાજરી આપશો। હવે વિશેષ કઈ ન કહેતા પૂજ્ય દાદાજી શ્રી વિજયકુમારજી મહારાજશ્રીને બધા વૈષ્ણવોથી વિનંતી કરું છું કે આપ વચનામૃત કરી અમને બધાને લાભાન્વિત કરશો। हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हाँ अशोक भाई। हाँ आवाज आवाज दे दे। अच्छा ठीक है। आज इस सत्संग में जितने भी सेवानुरागी श्रवणानुरागी वैष्णव आए हैं उन सभी वैष्णवों का मैं भाव से हृदय से स्वागत करता हूँ। चिंता संतान अहंतारो यत्पादाम्बुजरेन वह स्वीयानांतान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहु यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखान्तिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदेश शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च
चतुर्भिश्चस्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारते मम। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणा रसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। निस्साधन जनोद्धार करण प्रकटीकृतः श्री गोकुलेश स्वरूपः श्री वल्लभः शरणं मम। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः। अत्र विराजमान हमारा उदीयमान बाले आचार्य प्रजाधीश जी महोदय एमनी तो अत्यारे देखने जाओ तो इनकी उम्र तो अभी खेलने कूदने और पढ़ने की है। अभी कोई माइक के ऊपर प्रवचन करने की इतनी उम्र नहीं है। इनका शौक भगवत खेलना, भगवत सेवा आदि करना, अध्ययन करना, लेकिन ये है श्री महाप्रभु जी की और श्री यमुना महारानी जी की असीम कृपा का परिणाम फल जो आप हमारे प्रजाधीश जी महोदय की वाणी में आपने सुना। शास्त्र कहता है यदा यदा ही मुचते वाक वाणीं तदा कुल जाति कुल प्रमाणम। और हमारे तात्चरण का आग्रह यही रहता था कि वैष्णव में सत्संग प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन सत्संग होना चाहिए, उस सत्संग की चर्चा होनी चाहिए। और विशेष करके महाप्रभु जी के ये षोडश ग्रंथ के विषय में सत्संग होना चाहिए जो आज भगवत कृपा से हमारे चिरायुष्यमान पौत्र प्रजाधीश जी लालन कि जिन्होंने अभी अपना यमुना जी के विषय में अपना वक्तव्य दिया। जहां तक अपनी मति के अनुसार महाप्रभु जी की कृपा से ये कहता हूं कि हमारा कल का भविष्य हम इन बालकों के अंदर देख रहे हैं और खुशी हमको इस बात की है। ये संस्कार इनके पितृचरण यानी हमारे द्वितीय आत्मज चिरायुष्मान गोवर्धनेश जी और दूसरे हमारे ज्येष्ठ आत्मज चिरायुष्मान हरिराय जी महोदय इन दोनों के द्वारा संस्कारित शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमको इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है। उस जमाने में इतने पढ़ाई के साधन हुआ नहीं करते थे। ऐसे विद्वान सुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के जानने वाले कोई विद्वान ऐसे कोई मौजूद नहीं थे, लेकिन भगवत कृपा से गुरु चरणों की कृपा से श्री महाप्रभु जी और गुसाई जी और विशेष करके श्री यमुना महारानी जी की कृपा से, क्योंकि षोडश ग्रंथ का जो मंगलाचरण है वो है श्री यमुनाष्टक। षोडश ग्रंथ का पाठ जो वैष्णव करने का आग्रह रखते हो तो सबसे पहले यमुनाष्टक का पाठ सबको करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? हाँ के ना? हाँ। क्योंकि जब तक हम यमुनाष्टक का पाठ नहीं करते हैं तब तक आगे के पाठों के अर्थ को भी नहीं जान सकते। कहा है ना तीन की कृपा चाहिए मुख्य, महाप्रभु जी की, श्रीनाथ जी की, श्री यमुना जी की। कहते महाप्रभु जी कृपा का दान करें, श्री यमुना जी भक्ति का दान करें और श्रीनाथ जी बाबा अधरामृत का दान करें। तो महाप्रभु जी की कृपा जो जीव शरण में जब आता है तो यमुना जी उस संदेश को जाकर के प्रभु से बधाई देती है।
ऐसा तो हमारा भगवती जन कहते हैं। और अभी अभी यमुनाष्टक के दूसरे श्लोक के विषय में अपन ने श्रवण किया और उन्होंने जो तत्वज्ञान की बात, गूढ़ बात, गोसाई जी की टिप्पणी विवृत्ति के अनुसार उन्होंने अपने वक्तव्य दिए, क्योंकि यमुनाष्टक के ऊपर कई टीकाएं विवृत्ति आदि हैं और उसमें गोसाई जी इस विवृत्ति में क्या क्या करते हैं वो भाव आपने प्रकट बहुत सुंदर ढंग से किया है। इस बात की हमको बहुत प्रसन्नता है कि यमुनाष्टक के पर बोलना, यमुनाष्टक का पाठ भी करना यमुना जी की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। हाँ के ना, जब यमुना जी की कृपा होती है तो उनका नाम लेने का अधिकार हमको जीवा पर प्राप्त होता है। ये महाप्रभु जी की कृपा से यमुना जी अलौकिक रस का दान देती हैं, कृपा करती हैं। जैसी कृपा किशोरी बाई के ऊपर करी आपने, भगवत वार्ता आप लोग पढ़ते हैं, आपको प्रसंग पूरा कहने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मूल बात यह है कि हमारे चिरायुष्यमान ब्रजाधीश जी का अध्ययन अभी चालू ही है, अध्ययन कर ही रहे हैं। केवल एक टीका पर्याप्त नहीं होती है, उसमें कई आचार्यों की टीकाएं होती हैं। उस एक एक टीकाओं में एक एक आचार्यों ने क्या क्या भाव बताए हैं वो बताने के लिए उनको जानना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन, अभ्यास, अनुभव और फिर अनुभूति। सबसे पहला है अध्ययन, और अध्ययन करने के लिए रुचि होनी चाहिए। अच्छी अच्छी पुस्तकें आपने घर में रखी हो, शौक तो था पुस्तकों को इकट्ठा करने का, लेकिन पढ़ने के लिए रुचि हमको प्रकट होना। इतनी इतनी पुस्तकें मैं अपने घर में ला करके रखी हैं, उनमें से मैंने कितनी पुस्तकें पढ़ी। केवल पुस्तकें शोकेस में ला करके रखने के लिए नहीं है प्रियजनों, वो जो पुष्टि भक्ति मार्ग वल्लभ से वेदांत की पुस्तकें अपन ने घर में रखी हैं, उनका पठन पाठन प्रत्येक दिन वैष्णव को होना चाहिए। हाँ के ना, जैसे भोजन तरह तरह का हम करते हैं पर पानी तो एक ही तरह का पीते हैं, उसमें कलर नहीं मिलाते। जैसा है शुद्ध अपन जल पीते हैं, जानते हैं कि शुद्ध जल पीना चाहिए। जल पीजे छान के, गुरु कीजे जान के, हर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो तत्व होना चाहिए जिसको हम गुरु बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन गुरु के अंदर उनके आपसे तो आज्ञा करते हैं कि आप उनकी परीक्षा करो। एक पक्ष ये भी कहता है कि शिष्य के शरण में आता है तो गुरु उसकी पहले परीक्षा करता है, देखता है कि भाई योग्य व्यक्ति है कि नहीं। लेकिन वो शिष्य भी परीक्षा करता है, देखता है कि जिसको मैं गुरु बनाने जा रहा हूं उन गुरु के अंदर गुरु तत्व जो थोड़ा बहुत मैंने जाना भी है कि गुरु माने जिस ज्ञान का भंडार, जिसको सभी प्रकार का सभी वस्तु का जिसको ज्ञान है, वो आदरणीय पूजनीय दुनिया विश्व में होता है। पर हमारे आदरणीय पूजनीय श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं, श्री यमुना महारानी हैं, श्री नाथ जी बाबा हैं, और उसमें भी श्री यमुना जी का महात्मा। जब से महाप्रभु जी ब्रज की परिक्रमा करते करते विश्राम घाट भी पधारे, लेकिन जब श्रीमद गोकुल में पधारे तो गोकुल में तो साक्षात श्री यमुना जी महाप्रभु जी के सामने पधार गई। थोड़ी भी चिंता श्री महाप्रभु जी को होती, वो थोड़ी सी चिंता को भी श्री यमुना जी नहीं सह सकती। तत्काल वहां पर श्री यमुना जी प्रकट हो गई, तो कृपानाथ आपको कहां पधारनो है। सबसे पहले तो महाप्रभु जी ने उनको वंदन किया, नमन किया, यमुनाष्ट स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति 8 श्लोकों में की, 9वां श्लोक फलश्रुति का है।
जो जैसा अद्भुत और रसात्मक जो ग्रंथ की प्रकट किया हो हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने, और उन यमुनाष्टक के कई आचार्यों ने बहुत कुछ कहा है, वो उनकी मति के अनुसार वो श्रेष्ठ होंगे, लेकिन हम तो उस बात को मानते हैं कि जिस जो हमारे प्रभु चरण से विठलना चाहिए। आप क्या मानते हैं? तो ये यमुनाष्टक जो है वो भक्ति को देने वाला है। यमुनाष्टक का पाठ प्रत्येक वैष्णव करते हैं, सर्वोत्तम स्तोत्र कदाचित नहीं करते हो, लेकिन यमुनाष्टक तो सभी वैष्णव करते हैं। सभी वैष्णव ब्रज में जाने की अपेक्षाएं रखते हैं, मनोरथे मन में रखते हैं कि हम ब्रज में जाएं, श्रीमद गोकुल जाएं, गोविंद घाट पे जाएं, ठकुरानी घाट पे जाएं, यमुना पान करें, श्री महाप्रभु जी के जारी चरण स्पर्श करें, ये अलौकिक श्री यमुना जी है, वह यमुनाष्टक का हम पाठ करें। लेकिन प्रिय जनों, यमुनाष्टक अति उत्तम है, भक्ति स्वरूप है, लेकिन कैसे प्रकट हुआ और यमुनाष्टक के अंदर क्या है, यमुनाष्टक का भी गूढ़ भाव अभी अपन ने जाना नहीं था। यमुनाष्टक का पाठ रोज करते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने यमुनाष्टक के विषय में कितना तत्व ज्ञान गूढ़ बात बता दी है, और इस बात को तो कई आचार्य लोग भी मानते हैं। यमुनाष्टक पे हमारे वल्लभ संप्रदाय के आचार्यों ने जो बात बताई है वो किसी आचार्य ने आज तक नहीं बताई। यमुनाष्टक कई प्रकट हुए हैं, लेकिन हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जो प्रकट किया है वही पुष्टि पुष्टि यमुनाष्टक है, उसी का पाठ करना चाहिए। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ स्नेह सर्वतो अधिको स्नेहो भक्ति। भक्ति ने अपना राशि यमुना जी छे, पर जारे आपने इनो महात्म जानी लिए, उनके स्वरूप को समझ जाए, उनकी क्रिया को, उनके भावों को, उनके स्वरूप को, उनके गुणों को, उनके यश को जान जाए, और उसके बाद हमारी प्रीति और हमारा स्नेह हमारा लगाव श्री यमुना जी की तरफ हो, तो कितना विशेष आनंद आता है भक्त को और भगवान को। भक्त की भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। सबसे पहला श्री महाप्रभु जी ने श्री यमुना जी दर्शन आपया, और यमुना जी आज हमें जब मथुरा अपन जाते हैं ब्रज के अंदर जाते हैं तो यमुना जी जल रूप में हमको दर्शन देती है। जल रूप में देती है कि नहीं? हाँ कि ना? जल रूप में दर्शन देती है, हम दर्शन करते हैं, उनका पान करते हैं, उनके भोग धराते हैं, पूजन आदि करते हैं, सब जने करते हैं कि नहीं करते हैं। तो क्यों करते हैं? कि वो जो करते हैं वो श्री यमुना जी का आदि भौतिक स्वरूप है। यमुना जी का यमुना जी के तीन स्वरूप बताए गए, यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप, यमुना जी का आध्यात्मिक स्वरूप और यमुना जी का आदि दैविक स्वरूप। यमुना जी का भौतिक स्वरूप जो प्रत्येक वैष्णव जब ब्रजभूमि में जाता है और वहां जैसे गोकुल और मथुरा जी में जब जाता है तो वहां दर्शन करता है, सबसे पहले यमुने महारानी की सभी वैष्णव बोलते हैं, बोलो श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। अपने सबसे पहला मोड़ा में शब्द आवी जाए, मथुरा पहुंचिए, स्टेशन ऊपर से बाढ़ उतरिए, शु बोलिए कि चलो चलो जमने महारानी की जय। अरे ब्रज में जय गिरिराज जी जाइए, गिरिराज में जाके बोले बोलो श्री गिरिराज धरण की जय। आखी यात्रा करी लिए, आखी यात्रा करी तारे शु बोलिए, चलो श्री ब्रज समस्त ब्रज मंडल की जय हो। आखी यात्रा करी तारे एनो जय जयकार करिए। यमुना जी री रज, यमुना जी का जल, जल करता रज श्रेष्ठ छे, રજનું એટલું અલૌકિક મહાત્મ્ય છે। એકવાર અમારે બ્રજમાં ગયા હતા ત્યારે સમયમાં જલ તેવ કે ત્યાં નતું બિરાજતું, અમારા પુરોહિત સાથે હતા, તો મે કા પૂજન કાં હોય ગો, તો કે જે જે કરવાના ત્યાં રજ મે કરો। વાહ, રજ મે અમે ત્યાં પૂજન કર્યું અને ત્યાંની રજ પણ લીધી,
तो ए रीते यमुनाजी नुं पूजन थाय छे। पुष्टि भक्ति मार्ग में पांच एक पूजाओ छे, समय मळशे त्यारे एना विषयमां चर्चा करशुं, लेकिन हमणां एनी चर्चा मारे करवी नथी, क्योंकि आपणे तो यमुनाजीना चरण कमल पकड़वाना छे, यमुनाजीना स्वरूपनो दर्शन करवानुं छे, यमुनाजी केवा केवा श्रृंगार धरावेला छे ए आपणे जोवानुं छे, क्या क्या आभरणो आपे धरावेला छे एना दर्शन करवाना छे, અને પછી દર્શન કરવાના છે યમુનાજીનું હૃદય અને યમુનાજીનું મન, યમુનાજીના મનના દર્શન કરવાના, યમુનાજીના હૃદયના દર્શન કરવાના, યમુનાજીનું કેવું કૃપા કટાક્ષ છે પુષ્ટિ જીવો ઉપર, એ તો વાર્તા સાહિત્ય વાંચતા હોય એને ખ્યાલ હોય। કિશોરીબાઈની વાર્તા મારે અત્યારે કેવી નથી, પણ તમે ઘરે જઈને આજે સમય ના મળે તો કાલે વાંચજો જરૂર, કે યમુનાજીએ કિશોરીબાઈ ઉપર કેવી કૃપા કરી। અરે ભગવાન તો કૃપા કરવા જીવ ઉપર તૈયાર જ છે, પણ જીવને એવા પાત્ર બનવાની જરૂર છે, હા કે ના? એવા પાત્ર અમે બનીએ કે ભાઈ યમુનાજી જેમ દોડ કરી શોર કરી જાય પીએસઓ કહે, તો જીવને પણ દોડ લૌકિક કાર્યોને મૂકીને યમુના તટ ઉપર પહોંચી જવું જોઈએ, યમુના સ્ટકનું સ્મરણ કરવું જોઈએ, યમુનાજીને સ્વરૂપને જાણવાની ભાવના મનમાં રાખવી જોઈએ, કે યમુનાજી રસાતમાં છે અને આ કોઈ ચતુર્થ ક્રિયા છે, કુંજમાં છે, અત્યારે આપણને જલરૂપમાં જ દર્શન થાય છે, તો યમુનાજી જલરૂપમાં કેમ પધારી ગયા એનો એક લીલાત્મક પ્રસંગ અમારા તાચરણ મથુરા વાળા બ્રજમણલાલજી મહારાજના ચરણોમાં વંદન કરું છું। તાચરણ અમારા ગુરુવર શ્રી પુરુષોત્તમલાલજી મહારાજના ચરણ કમલમાં વંદન કરું છું। પરંતુ આ પ્રસંગ જે છે મથુરામાં બિરાજતા પરમ પૂજ્ય શ્રી બ્રજમણલાલજી મહારાજના મુખારવિંદના આ શબ્દો છે, અને એ શબ્દો પણ છે કે જબ તુ એ પ્રસંગ કો કોઈ કો ભી કહે તો હમારો નામ જરૂર લીજો, મેં તાજી આપકો નામ પહેલે લઉંગો, બડેન કી કૃપા બડેન કી આશીર્વાદ સે તો સબ કાર્ય હો રહ્યો હૈ, આશીર્વાદ કી અપેક્ષા સબ જને રખે રખે કે નહીં, હા કે ભાઈ હમકો આશીર્વાદ મિલે, અબ આશીર્વાદ કબ મિલે તો યોગ્યતા બન જાય વાકે અંદર, પાત્રતા વાકે અંદર આ જાય તો આખો આશીર્વાદ મિલે ઓર આશીર્વાદ ફલીભૂત હો જાય। આપણે આશીર્વાદની અપેક્ષા ના રાખતા, આપણે યમુનાજીની કૃપાનું મનોરથ મનમાં રાખીએ કે અમારું મન યમુનાજીના ચરણ કમલમાં રહે, યમુનાજી એવું કૃપાનું દાન કરે કે અમારે પ્રેમ લક્ષણ ભક્તિ અમારા હૃદયમાં પ્રગટ થાય। જેને પ્રેમ થઈ ગયો એ તો આપતો જ રહે, અપેક્ષા રાખે જ નહીં। આ જીવાત્માને જયારે યમુનાજી સાથે અલૌકિક ભાવ થઈ જાય છે, અલૌકિક પ્રેમ થઈ જાય છે, ત્યારે શ્રી યમુનાજી પણ અલૌકિક પ્રેમમય ભક્તિનું દાન શ્રી યમુનાજી કરે છે। યમુનાજી પુષ્ટિ ભક્તિનું દાન કરે છે, અને પુષ્ટિ ભક્તિનું દાન જયારે જીવને મળી જાય ત્યારે કોઈ વસ્તુ બાકી નથી રહેતી। અને જીવને તો એટલી ખબર નથી કે હું શું મનોરથ કરું કે મને શું જોઈએ છે, એ જ્ઞાન કરાવે છે આપણા શ્રી વલ્લભ કરાવે છે, શ્રી યમુનાજી કરાવે છે। પુષ્ટિ જીવ કોઈ અપેક્ષાઓ નથી, કોઈ કામનાઓ નથી, પુષ્ટિ જીવ નિરપેક્ષ છે, નિર્ગુણ છે। પુષ્ટિક જીવના હૃદયમાં મનોરથો જાગે છે, કોઈ ઈચ્છાઓ નથી, અને એ મનોરથો પણ તત્સુખાત્મક હોય છે। મનોરથ કોને કહેવાય? જે મનોરથ કરવામાં ઠાકોરજીને સુખ પહોંચતું હોય, પ્રભુ કો આનંદ હોતા હો, ઠાકોરજી પ્રસન્ન હો જાતે હો, એસા જબ મનમાં એસી ભાવનાએ જગતી હો, ઠાકોરજી કે નિયમ કાર્ય કરતે હૈ, ઉસ મનોરથ સે નિષ્કામ ભાવ સે જબ કરતે હૈ તો નિષ્કામ ભાવ કરને સે હમારે ઠાકોરજી હમારે યમુનાજી ઉન મનોરથો કો સ્વીકાર કર લેતી હૈ,
और यमुना जी मनोरथों ने जीवना जारे स्वीकार करी ले छे कि हमें तेरो मनोरथ मैंने जान लियो, तेरो भाव मैंने पहचान लियो, અને શ્રી અમલાજી માંગ્યા વગર એ વસ્તુનું કૃપાનું દાન ભક્તિનું દાન શ્રી અમલાજી પુષ્ટિ જીવ ઉપર કરે છે એનું પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પ્રિયજનો એ છે કે આપણું મન ઠાકોરજીમાં લાગવું, અપના મન ઠાકોરજીમાં લગ જાય, કોને પોતાના ઠાકોરજી કિસકો અપને ઠાકોરજી પ્રિય ન હો, સબકો અપને ઠાકોરજી પ્રિય હોતે હૈ, લેકિન આવશ્યકતા યે હૈ કે હમકો હમારે મન કો ભી વહાં લગા દેના, अपना जे सेवा कार्य कार्यात्मक न बन जाए, हमारा ये सेवा कार्य भावात्मक सेवामय बने, ये मनोरथ पुष्टि जीवों को मन में रख करके प्रभु के सन्मुख होना है, यमुना जी का स्मरण करना है। यमुना जी के विषय में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हमारी श्रद्धा हमारी भावना ये रहने चाहिए, निरपेक्ष और निर्गुण रहने चाहिए। कोई कामना लेकर के यमुना जी का यमुनाष्टक का पाठ नहीं करना, कामनाएं तो सबके मन में होती है, किसी की पूरी हो जाती है, किसी की नहीं हो जाती नहीं होती है, लेकिन हमारा मन हमारा हृदय हमारे मन के विचार उसमें लग रहे हैं कि नहीं, चिंतन हो रहा है कि नहीं। प्रत्येक वैष्णव अपने मन में सोचे कि हमको यमुना जी कितनी बार याद आते हैं, प्रातः काल से सायं काल सोने तक कितनी देर हमको यमुना जी याद आते हैं, कि केवल यमुनाष्टक करते हैं तभी यमुना जी याद आते हैं, या गोकुल नजर आने लग जाता है, यमुना जी के तट दिखने लग जाते हैं, और ये अलौकिक तट अलौकिक स्वरूप यमुना जी का, जब यमुना जी ऐसा पुष्टि जीव के कृपा का दान करते हैं तब। लेकिन प्रियजनों, यमुनाष्टक को साधन मत बनाना, साधन की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि ये सब फल है, पुष्टि मार्ग फल मार्ग है। यमुना जी जो कृपा कर रहे हैं वो समझो कि फल मिल रहा है, और यमुना जी की कृपा से क्या मिल जाता है? अरे क्या मिल नहीं जाता, प्रभु मिल जाते हैं, और जिसको ठाकुर जी मिल गए फिर कोई वस्तु की अपेक्षा उस पुष्टि जीव को नहीं रहती है, हाँ कि ना, फिर कोई अपेक्षा नहीं रहती। अरे तमें पोते मन में विचार कर जो प्रियजन और ठाकुर जी मळ्या पछी बीजी कोई इच्छा था, हाँ कि ना, इच्छा था है? ना था है। अरे अलौकिक हीरो मळी जाए तो हीरा नु तो जतन आपणे करीए त्यारे हीरो आपणो स्थिर रहे छे, ये तो हीरे से भी अमूल्य है, अपने प्रभु हैं, श्री यमुना जी हैं, तो यमुना जी का चिंतन, यमुना जी का स्मरण, यमुना जी का ध्यान, और विशेष करके यमुनाष्टक का पाठ प्रत्येक वस्तु को करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। आज हम देखते हैं पाठ तो करते हैं, चलते फिरते बातें करते हुए बातें कर रहे, ऐसा नहीं। एक आसन, हम एक आसन पे बैठ करके अपरस में शुद्ध होकर के देह की शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, आज हम नहा करके चरणामत क्यों लेते हैं? तो ये चरणामत इसलिए कि हमारे मन हमारा विचार अलौकिक बने, कृष्णा जी के चरणों की रज, के यमुना जी के चरण की रज लेते हैं, तो वो लेने का महत्व यही है कि हमारा मन उनके चरणारविंद में लगा रहे, क्योंकि मन चंचल है, विचलित होता रहता है, लेकिन यमुना जी का जो चरण का आश्रय जो कर लेते हैं, जिससे उसका मन स्थिर हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है। इसलिए विशेष न कहते हुए प्रियजनों, विशेष ज्यादा समय आपका न लेते हुए प्रियजनों, समय आएगा चाहे दोबारा फिर आप लोगों से मिलेंगे, वार्तालाप होगी, लेकिन आज पुनः चिरायुष्मान हमारे ब्रजाधीश जी महोदय और इनको शिक्षा देने वाले हमारे प्रिय चिरंजी गोवर्धनेश जी महोदय और चिरंजी हमारे हरिराय जी महोदय, दोनों का पूर्ण हाथ है और हमारे तो केवल आशीर्वाद है, लेकिन इनको शिक्षा जो दे रहे हैं, अभी जो ये शिक्षा करवा रहे हैं, ये तो शास्त्र तो कहता है
माता वेरी पिता शत्रु पुत्रेन पाठितम्। माता वेरी है, पिता शत्रु है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। अरे भाग्यशाली है, आज किसी को पढ़ाना विद्या दान माने सबसे बड़ा दान है। अध्ययन करना और यमुनाष्टक को पहचानना, यमुनाष्टक के भाव को पहचानना, तो यमुनाष्टक शुद्ध उच्चारण में यमुनाष्टक का पाठ करना चाहिए। कभी भी ऐसे पाठ करने का अवसर हमको मिले, यमुनाष्टक श्री सर्वोत्तम स्त्रोत्र या षोड़श ग्रंथ में से कोई भी पाठ, लेकिन मन की स्थिरता बहुत जरूरी है प्रियजनों। जिसका हम स्मरण करने जा रहे हैं तो उसका स्मरण करने वाणी द्वारा तो कर रहे हैं तो मन और जगह जा रहा है, तो नहीं ऐसा होना चाहिए प्रियजनों। मन भी वहां रहे हमारा, और मन तभी रह सकता है कि यमुना जी की भक्ति हमको मिले। और यमुना जी की भक्ति भी तभी मिलती है कि कुछ करो तो कुछ मिले। यमुना जी के पास जाए, यमुना जी के अपना अपन तो निस्साधन है। काय न दुष्ट क्रिया च दुष्ट, ज्ञाने न दुष्टो भजने न दुष्ट, मम अपराध कथिदा विचार यह। सभी प्रकार से दुष्ट है, निस्साधन हो जाए और निस्साधन होकर के यमुना जी के इष्ट का पाठ करें तो अवश्य यमुना जी भक्ति का दान करती है। और वो भक्ति है प्रियजनों प्रेम लक्षणा भक्ति, जिससे हमको प्रभु में हमारा प्रेम अत्यधिक हो जाना, वो प्रेम उसी का नाम भक्ति है कि हमारा प्रेम ठाकुर जी में हो जाए। तो समझो कि हम पुष्टि भक्ति की तरफ और प्रेम लक्षणा भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रेम लक्षणा भक्ति तरफ पहुंचाने वाली हमारी श्री यमुना जी है। श्री यमुना जी के चरणों में यही मैं नम्र विनती करता हूं कि जो जो वैष्णव जहां हो वहां नित्य भाव और प्रेम और श्रद्धा से अपरस में श्री यमुनाष्टक का पाठ करेंगे तो अवश्य मुझे विश्वास है कि आपके पाठ को सुनकर के यमुना जी निकट आपके आएंगे और अलौकिक प्रेम लक्षणा भक्ति का दान करेंगे। पात्र हो तो वस्तु रहे, तो ऐसे भक्ति के पात्र हमको, स्नेह के पात्र हमको बनना है कि जिससे हम ये अलौकिक रस को हृदय में धारण कर सकें। ये पात्रता यमुना जी के द्वारा हमको प्राप्त होती है। पुनः हमारे चिरायुष्यमान हमारे उदीयमान आचार्य व्रजाधीश जी को आज मैं मंच के ऊपर इतने वैष्णवों के सामने अपनी वाणी को प्रज्वलित को प्रभावित करते हुए यमुना जी की कृपा समझो के प्राप्त हुई और यमुना जी के भावों को प्रकट करते हुए धारा प्रवाह इन्होंने जो 5-10-15 मिनट अपना वक्तव्य दिया सभी ने सुना, तो मैं तो यही भावना और मनोरथ करता हूं कि यमुना जी की इस बालक के ऊपर खूब कृपा रहे और आगे भी भविष्य में हमारे पुष्टि मार्गी वैष्णवों को लाभान्वित करने के लिए, भक्ति का ज्ञान बढ़ाने के लिए, सेवा में रुचि सत्संग में रुचि बढ़ाने के लिए, अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए ऐसे आचार्य आप लोगों के जब निकट आएंगे और जब आप उनको मंच के ऊपर अपने वाणी को श्रवण करते देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह यही है आचार्य बाल आचार्य। अभी तो इनकी पढ़ने की उम्र है, अभी तो यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ, लेकिन जो शिक्षा इनको इनके पितृचरण जो दे रहे हैं और शिक्षा देने का तरीका भी मैंने आज देखा, ये तो बहुत प्रसन्नता हुई है। विषयांतर न करते हुए बाबा ने यमुना जी के विषय में भागवत जी के प्रसंगों को भी कहते हुए, यानी कि ये बता दिया कि तो भागवत के वक्ता भी हैं, इनको भागवत की भी बहुत सी बातें याद है, लेकिन समय आने पर
आपको ये सब बात मालूम हो जाएगी प्रियजनों। बस आप जैसे एक बहुत पुराना गीत मैंने सुना था, आप यो ही अगर हमसे मिलते रहे तो देखिए एक दिन प्यार हो जाए। बस ऐसे ही जो अपन मिलते रहेंगे तो देखिए अवश्य हम आपके बिना और आप हमारे बिना रह नहीं पाओगे, हमारे लालन को सुने बिना रह नहीं पाओगे। सामने से कहते रहोगे नहीं हमको तो यमुनाष्टक सुनना है, और विचार करो एक कोई शास्त्रियों की कथा सुनो, और एक वल्लभ कुल आचार्य बालक युवा आचार्य बाल आचार्य युवाचार्य भी नहीं कह सकते इनको, बाल आचार्य जब यमुनाष्टक के ऊपर इतना सुंदर भाव हमको बता रहे हैं तो वो पद गर्मियों का याद आने लगा ना, तो रह चाहिए पिए रहे अपने ही महल, बस एक ही जगह रहे, एक ही आश्रय रखें, दृढ़ता रखें, अनन्यता बनाए रखें, और ऐसे बाल आचार्यों की वाणी को सुनते रहें, साथ साथ अपने अभिप्रायों को भी आप व्हाट्सएप ऊपर के ऊपर के ईमेल में के इंस्टाग्राम में आप भेज सकते हैं, अपने जो भी आपने सुना जो आपको अच्छा लगा। ज्ञान तो ऐसा है प्रियजनों, जितना बांटो इतना बढ़ता जाता है। बस आपकी भक्ति बढ़े, आपके रुचि बढ़े, आप सेवा और सत्संग में सदा रहो, और यमुनाष्टक के गुणगान हमारे लालन के द्वारा श्रवण करते रहो, ये मैं भावना मंगल रखता हूँ। विशेष न कहते हुए एक मनोरथ यही हम सबका, यमुना जी ऐसी कृपा करें हमारा आश्रय दृढ़ रहे, हमारा विश्वास दृढ़ रहे, पर हम हमारी वाणी यमुना जी का ही गुणगान करती रहे, ऐसे भावना यमुना जी कृपा बरसाएंगे। यही मनोरथ के साथ अपने वाक पुष्पों को श्री यमुना जी के चरणारविंद में समर्पित करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, देखो दर्शन देने के लिए प्यारे की जय। सब एक जाहिरात छे, આવતીકાલે 6 તારીખે પુષ્ટિ દર્શન સત્સંગ મંડળ બોસ્ટન યુએસએ દ્વારા પુષ્ટિ સત્સંગનું આયોજન કરેલ છે। આ સત્સંગમાં પૂજ્ય શ્રી ગોર્ધનેજી મહોદયશ્રીના મુખારવિંદ દ્વારા દિવ્ય સત્સંગનો લાભ મળશે, તો આપ સર્વો આવતીકાલના સત્સંગનો લાભ અવશ્ય લેજો। ત્યારબાદ આગામી 9 અને 10 જૂનના રોજ શ્રીજી મંદિર યુએસએ દ્વારા પુષ્ટિ સત્સંગનું આયોજન કરેલ છે। આ સત્સંગમાં શ્રી ગોકુલનાથજીના 24 વચનામૃત શ્રવણનો લાભ મળશે। આ સત્સંગમાં પૂજ્ય શ્રી હરિરાયજી મહોદયશ્રીના મુખારવિંદ દ્વારા દિવ્ય સત્સંગનો લાભ પ્રાપ્ત થશે। તો આપ સૌને ખાસ આગ્રહ છે કે આગામી 9 અને 10 તારીખના ઓનલાઈન સત્સંગનો લાભ અવશ્ય લેજો, અને બીજા વૈષ્ણવોને પણ આ સત્સંગમાં જોડજો। અને આવતી 12 તારીખે જે દર શનિવારે સત્સંગ થઈ રહ્યો છે એ પણ થશે, તો એમાં પણ સૌ જોડાશો। ભાવેશ ભાવેશ બધાને અનમ્યુટ કરી દેને, દાદાજીને દંડવત કોઈને કરવા હોય તો એ કરી શકે છે। જયશ્રી દંડવત પ્રણામ, જયશ્રી દંડવત પ્રણામ। પ્રણામ જય જય હૃદયથી આશીર્વાદ।
प्रणाम जय जय श्री प्रणाम 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 जय जय सत्संग हेलो अवेश। हाँ अशोक भाई। एंटी भाई ने हमारे कर दिए। कौन है? एंटी भाई पारखिया। ओके હવે જયંતિભાઈ પારખિયા દ્રઢીન આશ્રયનું પદ લેશે. શ્રી વલ્લભાદી શકી ચરના કેરો ભરો ढ़ न चरना वल्लभ चंद सटावीना सब युग माजू अंधेरो भरोसो દ્રઢયન ચરણન કે સાધન વોર નહિયા કલીને જાસુ હો ચિવે સુર કહા કહે ત્રિવિદય અંધેરો